जी स्टूडेंट्स तो अब हम अपना रेशो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो रेशो uh, एनालिसिस में मुख्तफ तरह की रेशोज़ हैं जिन्हें हम मुख्त सेट में क्लासीफाई करते हैं uh, जैसे ऊपर आप टाइटल में देख रहे हैं लिक्विडिटी रेशोज़ कुछ रेशोज़ हैं जो लिक्विडिटी के रेलिवेंट हैं लिक्विडिटी क्या होती है ये हमें बताती है कि हमारी शॉर्ट टर्म अबिलिटी टू पे कैश क्या है यानी कि इन रेशोज़ का ताल्लुक़ शार्ट टर्म में हमारी क्रेडिट एबिलिटी से है कि हम शॉर्ट टर्म में अपनी लाइबिलिटीज़ को मीट कर सकते हैं या नहीं तो ये हमें शॉर्ट टर्म में बताती है इसी तरह हमारे पास लीवरेज रेशोज़ आ जाएंगी लीवरेज रेशो में हम अपनी लॉन्ग टर्म में अपनी जो है लिक्विडिटी लॉन्ग टर्म में जो अवेलेबिलिटी ऑफ कैश है कि हम अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकते हैं या नहीं वो आ जाएंगी हम आगे लिक्विडिटी रेशोज़ के बाद लीवरेज रेशोज़ के देखेंगे फिर इसके बाद एक्टिविटी बेस रेशोज़ आ जाती हैं जिसमें हमारी एक्टिविटीज़ के रेलवेंट रेशोज़ होंगी जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल टर्न ओवर नंबर ऑफ़ डेज़ अकाउंट रिसीवेबल कैश साइकिल कन्वर्जन साइकिल इस तरह उसमें भी बहुत सारी रेशोज़ हैं वो एक्टिविटी और परफॉर्मेंस के रेलवेंट होती हैं फिर एंड पे हमारे पास जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ आ जाएंगी हम देखेंगे कौन कौन सी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ होती हैं और फिर हम उनकी भी कैलकुलेशन करेंगे तो अभी हम जो सबसे पहला सेट ऑफ रेशोज़ देखने जा रहे हैं वो हैं लिक्विडिटी रेशोज आपके सामने ये क्लासीफाई हो रहा है कि ये जो रेशोज़ हम अभी सेट में देखेंगे ये लिक्विडिटी के रेलिवेंट है लिक्विडिटी कहते हैं कि फॉर्म की अबिलिटी इन शार्ट टर्म मतलब शार्ट टर्म का मतलब यह है कि विद इन वन ईयर जो उसकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं जो ड्यू uh, होने जा रही हैं तो वो क्या इस काबिल है कि वो उनको पे ऑफ कर सके तो लिक्विडिटी का तल्लक क्या होता है कि शॉर्ट टर्म विद इन वन ईयर जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं वो उनको पे करने के काबिल है या नहीं तो इन चीज़ों को लिक्विडिटी रेशोज़ कहते हैं लिक्विडिटी रेशोज़ के मतलब क्रेडिटर्स शॉर्ट टर्म प्रोवाइडर्स ऑफ फंड्स ये कंसर्ड होते हैं अगर आपकी ये रेशोज़ अच्छी हों तो आपको शॉर्ट टर्म में कैश uh, की अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको जो प्रोवाइडर्स ऑफ फंड हैं या क्रेडिटर्स हैं वो आपको मार्जिन और रिलैक्सेशन देने पे तैयार होते हैं आप सबसे पहले ये देखें ये तो थी लिक्विडिटी रेशो लिक्विडिटी रेशो के बाद हम सबसे पहली रेशो जो देखने जा रहे हैं वो है करंट रेशो इसको करंट लिखा हुआ ये करंट रेशो है बेसिकली करंट रेशो ठीक है ये इसकी साइड पे इधर लिखा है ये बैलेंस शीट रेशो है बैलेंस शीट का मतलब रेशो का मतलब ये है इसका जो डिनोमिनेटर है और न्यूमिनेटर दो अ, कोई भी रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमें दो काउंटिंग नंबर्स चाहिए तो इसमें जो काउंटिंग नंबर डिनोमिनेटर में है और जो काउंटिंग नंबर न्यूमिनेटर में है दोनों काउंटिंग जो नंबर्स हैं वो बैलेंस शीट से लिए गए हैं ठीक है तो सॉरी आगे चलिए तो ये बैलेंस शीट रेशो में सबसे पहले लिक्विडिटी रेशोज़ आ रही हैं लिक्विडिटी रेशोज वो हमें नीचे बता रहा है शोज़ फर्म्स अबिलिटी टू कवर इट्स करंट लेबिलिटीज़ विद इट्स करंट एसेट्स आपको बताया कि ये चूँकि शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं तो इसका तल्लुक मोस्टली करंट लेबिलिटीज़ और करंट एसेट्स के साथ ही होता है करंट लेबिलिटीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें हमें पे ऑफ करना है और करंट एसेट्स हमारे रिसोर्स होते हैं जो हमारे पास फिजिकली अवेलेबल होते हैं या इन फार्म ऑफ कलेक्टेबल्स फ्राम अकाउंट रिसिबल वगैरह हमें मिल सकते हैं विद इन वन ईयर तो हमने लिक्विडिटी रेशोज़ में इन्हीं चीज़ दोनों चीज़ों का कंपेरिजन करना होता है कि क्या हमारे पास इतने करंट एसेट या रिसोर्सेज हैं कि अपनी शॉर्ट टर्म में ड्यू होने वाली करंट लाइबिलिटीज़ को हम पे ऑफ कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है करंट रेशो जो कि आपके पास टाइटल में लिखी है करंट रेशो को कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ तो आप देख रहे हैं क्या कि ये आपके पास न्यूमिनेटर में है जो है करंट एसेट्स है और डिनोमिनेटर में करंट लाइबिलिटीज़ है जब आप करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटीज पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास रेशो आएगी उसे हम कहेंगे करंट रेशो आपने पहले बैलेंस शीट देखी बास्केट वंडर की तो बास्केट वंडर की बैलेंस शीट में अगर आप दोबारा बैक स्लाइड पर जाके देखें जिस लाइन में हमने बैलेंस शीट की एसेट साइड को देखा था तो उस उसमें हमारे पास करंट एसेट आ गए थे वन थाउजेंड वन हंड्रेड नाइन्टी फाइव डॉलर के जो उसने इसे नीचे लिखे हैं वन हंड्रेड वन थाउजेंड वन हंड्रेड नाइन्टी फाइव डॉलर और इसी तरह अब जब उसके नेक्स्ट लाइन में आप बैलेंस शीट की लेबिलिटी साइड देखते हैं बास्केट वंडर की तो उसकी करंट लेबिलिटी फाइव हंड्रेड की थी इसको डिवाइड किया तो हमारे पास टू पॉइंट थ्री नाइन की रेशो आई ये एक अच्छी हेल्दी रेशो है टू पॉइंट थ्री नाइन इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक वन वन डॉलर की लैबिलिटी को पे करने के लिए टू पॉइंट थ्री नाइन डॉलर के रिसोर्स अवेलेबल हैं ग्रांट एसेट्स अवेलेबल हैं तो अगर हम एक्सट्रीम एक्सेप्शन भी देखें तो उसमें भी टू पॉइंट थ्री नाइन का इशू ये है कि हम हर हमारे पास जब भी कोई लैबिलिटी ड्यू होगी तो हमारे पास उसके एक डॉलर के अगेंस्ट टू पॉइंट थ्री नाइन के ग्रांट एसेट्स अवेलेबल हैं रिसोर्स अवेलेबल हैं उसको पे ऑफ करने के लिए तो ये तो थी करंट रेशो आपने पहले भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या इससे पहले अगर आप, आप बैचलर्स में भी कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं तो वहाँ भी ये करंट रेशो देखी होगी ये करंट रेशो बेसिकली हेल्थ बताती है अगर आपका कोई सप्लायर है वो आपको क्रेडिट देना चाह रहा है तो वो आपकी इस करंट एसेट्स और करंट लैबिलिटी की जो बैलेंस शीट आइटम्स हैं इनको ज़रूर देखेगा वो देखेगा क्या आप ओवर बर्डन तो नहीं है अगर ये रेशो वन के वन आती तो इट मीन्स कि हमारे पास जितने करंट एसेट्स हैं उतनी ही लेबिलिटीज़ हैं अगर करंट एसेट्स में से यानी रिसोर्स में से कुछ रिकवरी नहीं हो पाती तो लेबिलिटीज़ को मीट करना मुश्किल हो जाएगा और अगर ये रेशो वन से भी नीचे चली जाती फॉर एग्जाम्पल करंट एसेट कम होते हैं और लाइबिलिटीज ज़्यादा होती तो कंपनी को सवियर लिक्विडिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता था इसमें एक और चीज़ जो और फोकस है कि अगर इस किस्म का सवियर लिक्विडिटी क्राइसिस का सामना हो तो फिर हमें कोई एक्सटर्नल रिसोर्सिस की अरेंजमेंट करनी पड़ सकती है हमें लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी पड़ सकती है ठीक है तो ये रेशो जो है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम बैंक में लैंडिंग रेसिजन करते हैं तो हम लिक्विडिटी रेशो को स्पेसिफिकली फोकस करते हैं क्योंकि बैंक के लोन जो होते हैं वो मोस्टली एवरेबल विद इन वन ईयर होते हैं वन ईयर के स्पैन टाइम दिया जाता है उन्हें पेमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के लिए और फिर रीपेमेंट के लिए तो हम जब उसको लोन देने जा रहे होते हैं तो हम उसकी इस करंट रेशो को जरूर चेक करते हैं हम ये देखते हैं कि उसकी करंट रेशो कितनी बेहतर है हायर द करंट रेशो हायर द करंट रेशो इट्स बीन बेटर लेकिन बहुत ज़्यादा हायर भी नहीं होनी चाहिए जैसे 2.39 इट्स इट्स गुड एंड हेल्थी रेशो करंट रेशो, 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 रेशो रे� पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये रेशियो बहुत ज्यादा हाई होती फॉर एग्जांपल हमारे पास के करंट एसेट्स होते और एक रुपए की लाइबिलिटी तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो कैश है या अपनी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी स्टक कर ली है करंट एसेट्स के अंदर जैसे कि अगर आप कहें स्टॉक बहुत ज्यादा है अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्टॉक्स हैं इसका मतलब है आपने वहां कैश जो है जंक इकट्ठा कर लिया आपके पास स्टॉक्स भी इतने होने चाहिए जो आपकी प्रोडक्शन के लिए सफिशिएंट है आप ज्यादा प्रीपेमेंट्स भी ना करें और ज्यादा कैश भी हेल ना रखें अगर आपके पास एक्सेट तो तो करंट तो हायर होना बहुत अच्छी बात है लेकिन एक रीजनेबल हद तक हायर होना चाहिए ज्यादा भी हायर नहीं होना चाहिए टू पॉइंट थ्री नाइन इज अ सफिशियंट एंड वेरी गुड रेशो फ्रॉम करंट पॉइंट ऑफ व्यू तो आप इसको दोबारा एक दफा देख लें कि करंट रेशो में क्या बता रही है कि हमारे पास कितने uh, जो है रिसोर्स हैं अपनी एक डॉलर की लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज की हमने करंट एसेट्स हमने बैलेंस शीट की करंट एसेट साइड से पूरे के पूरे उठा लिए करंट लाइबिलिटीज़ को हमने बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से पूरा उठा लिया और इनकी रेशो जब कैलकुलेट की तो बास्केट वंडर की जो करंट रेशो है वो टू पॉइंट थ्री नाइन है इट इज़ एक्सप्लेनिंग दैट फॉर पेइंग ऑफ वन डॉलर लाइबिलिटी बास्केट वंडर्स है टू पॉइंट थ्री नाइन डॉलर्स दैट इज़ अ सफिशियंट अमाउंट ठीक है तो इसका लोअर होना वन से लोअर होना एक ए, 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 बहुत डेंजरस है इट मीन्स के बिजनेस इज़ फेसिंग सीवियर डिफिकल्टीज ठीक है वन से नीचे होने में अलार्मिंग सिचुएशन है आपकी क्रेडिबिलिटी और लिक्विडिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है वन से ऊपर जो है ये पॉजिटिव जो रिलेशनशिप है ये अच्छा है टू आइडियल कंडीशन कंसीडर की जाती है इसका पॉजिटिव होना इसका ज़्यादा होना अच्छा ही इंडिकेशन है लेकिन एक हाथ से ज़्यादा होना ये फिर वरीड पॉइंट हो जाता है कि हमने एक्सेस रिसोर्स या फंड जो, जो हैं वो कहीं इसमें स्टॉक ऑफ तो नहीं कर लिए करंट एसेट्स में ये देखिए ये हमने देखा टू में बास्केट वंडर की जो करंट रेशियो थी वो टू पॉइंट थ्री नाइन है और इंडस्ट्री की टू पॉइंट वन फाइव इट मीन्स के वी आर बेटर देन द इंडस्ट्री हमारी करंट रेशो बेहतर है फिर इसी तरह उसने पिछले साल में टू पॉइंट टू टू थाउजेंड टू में भी और टू थाउजेंड वन में भी टू थाउजेंड वन में हम इंडस्ट्री की एवरेज से नीचे थे टू थाउजेंड टू और थ्री में हमने इंप्रूव किया इज स्ट्रॉगर देन इंडस्ट्री एवरेज इट मीन्स कि बास्केट वंडर इज़ परफॉर्मिंग बेटर देन द इंडस्ट्री तो ये हमारा कंपैरिजन भी हो गया अगर हम ये देखें इंटरनल कंपैरिजन करें तो हम अपने ही रेशियोज़ को देखेंगे जो 2001 में 1.9 से 2002 में इम्प्रूव हुई और 2003 में फर्दर इम्प्रूव हो गई। जब हमने क्रॉस कंपैरिजन करना है आउटसाइड इंडस्ट्री करना है तो यहाँ भी हम बेहतर हैं यहाँ भी बेहतर हैं यहाँ स्लाइटली इक्वल की पोजीशन थी लेकिन यहाँ दो सालों में हमने इंडस्ट्री से बेहतर परफॉर्म किया तो ये हमारा एक्सटर्नल कंपैरिजन हो गया इस स्लाइड से आप समझ सकते हैं कि इंटरनल कंपैरिजन में हम अपने आप को अपने आप से ही कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर हिस्ट्री या ट्रेंड से और जब एक्सटर्नल की बात आएगी तो हम इंडस्ट्री की एवरेज से या फिर लीडिंग जो भी हमारी कंपनी होगी इंडस्ट्री की उससे अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं ये दूसरी रेशियो है ये भी बैलेंस शीट रेशो है बैलेंस शीट रेशो का मतलब यह है कि इसके दोनों एलिमेंट कहाँ से आए हैं बैलेंस शीट से आए हैं और लिक्विडिटी रेशो है तो ये भी लिक्विडिटी रेशो जो आपको पहले भी बताया इसने फिर वही एक्सप्लेन किया है शोज़ अ फॉर्म्स एबिलिटी टू मीट करंट एबिलिटी विद इट्स मोर्स लिक्विड एसेट इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है एसिड टेस्ट इसको एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं ये जो चीज़ है एसिड टेस्ट रेशो और इसका अल्टरनेटिव नाम है क्विक रेशो जब हम ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ लाइबिलिटीज़ हैं जिनको हमने पे ऑफ़ करना है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास कुछ करंट एसेट्स भी हैं जहाँ से हमें फंड्स मिल सकते हैं जैसे कि हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स हैं हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंसेज हैं हमारे पास अदर कैश इक्वलेंट्स हैं और हमारे पास इन्वेंट्रीज़ हैं ये वो कुछ लोगों का ख्याल है कि कुछ जैसे करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज़ हैं जब वो हम परचेज़ कर लेते हैं उनको रीसेल करना मुश्किल हो जाता है जब तक हम उनको प्रोसेस ना करें तो जब भी आप लिक्विडिटी की रेशियो कैलकुलेट करने जाएं तो करंट एसेट्स के पूरा पोर्शन ना लें बल्कि करंट एसेट में से ऐसी चीज़ें माइनस कर दें जो जल्दी से या रेडिली रिलाइज नहीं हो सकती या उनकी एक्चुअल वैल्यू हम रिलाइज नहीं कर पा सकते अ लिमिटेड टाइम जैसे कि हम ये कह दें कि हमने जो है वापदा को एक्स्ट्रा बिल पे कर दिया है सुई गैस में नॉर्मली ये होता है कि आप एडवांस बिल भी पे कर सकते हैं अगर आपने इस एडवांस बिल पे कर दिया दैट वाज अ प्री पेमेंट और प्री पेमेंट आपका करंट एसड होता है तो ये एक ऐसी करंट एसड है जो कैश दोबारा वापस रिवर्स नहीं हो सकता यानी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता इस तरह हमारे पास इन्वेंट्रीज़ हैं मुख्तलिफ तरह के स्टॉक्स हैं हमने परचेज़ कर लिए अब वो स्टॉक्स उस वक्त तक हमारे पास पड़े रहेंगे जब तक हम उन्हें फाइनल प्रोडक्ट बना के सेल नहीं कर देते तो कुछ लोगों का कहना है कि जब आप ये रेशो कैलकुलेट करने जैसे करंट रेशो कैलकुलेट कर रहे थे तो अब आप करंट एसड में से जो है प्री पेमेंट्स या इन्वेंट्रीज उनको माइनस कर दें क्योंकि ये ऐसे एसे एसेट्स हैं जो आपको हेल्प नहीं करेंगे लेबिलिटीज को पे करने में ठीक है इनको कन्वर्ट वापस बैक करना कैश में ये मुश्किल होता है तो इस रेशो में थोड़ी सी स्लाइड चेंज है ऊपर हमारे पास करंट एसेट्स ही हैं उसमें से इन्वेंट्रीज को माइनस कर दिया है और दूसरी चीज़ इस स्लाइड में नहीं लिखी अगर आपके पास कुछ प्री पेमेंट्स हैं जैसे मैंने आपको बताया कि हम स्वई गैस में नॉर्मली एस एन का बिल एडवांस में पेमेंट कर देते हैं तो ऐसी प्री पेमेंट्स जो उनकी रिवर्सल मुश्किल हो जाती है वो भी यहाँ से माइनस की जा सकती है इस क्वेश्चन में तो नहीं है तो नीचे करंट लेबिलिटी जो न्यूमिनेटर है वो सेम रहेगा ठीक है करंट रेशो में भी करंट लेबिलिटीज ही थी और एसेट एस या क्विक रेशो के अंदर भी यही चीज़ है अब सिर्फ चेंज क्या आया ऊपर करंट एसेट था क्रह है उसमें से इन्वेंट को माइनस कर देंगे और अगर कोई प्री पेमेंट्स है तो उसको माइनस कर देंगे अगर हम वही एसेट की स्लाइड पर जाएँ तो हमारे पास टोटल करंट एसेट थे वो वन थाउजेंड थे लेकिन इसमें जो हमारे पास इन्वेंट्री थी वो 696 सिक्स डॉलर की थी ठीक है और करंट लेबिलिटीजल फाइव हंड्रेड डॉलर है तो ये रेशो एग्जैक्टली वन आ रही है तो दैट मीज़ अ गुड कि मतलब जो चीज़ें लिक्विडिटी कैश पर रिलइज़ नहीं हो सकती हमने उनको भी माइनस कर लिया उसके बाद ये रेशो वन आ रही है स्लाइटली बेटर देन वन इज़ अ वेरी गुड ठीक है वन भी ठीक है लेकिन ये भी इसका भी नेगेटिव होना अगर ये नेगेटिव होगी यानी वन से नीचे होगी तो तब ये भी हमारे लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकती है इसका मतलब ये होगा कि हम शॉर्ट टर्म में हमें अपनी लिक्विडिटी को मैनेज करने में, में मसला होगा वन का मतलब ये है कि हमारे पास क्विक कैसेट्स क्विक कैसेट्स मतलब कैश अकाउंट रिसीवेबल रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश आइटम्स वो सारी बिल्कुल बराबर है हमारी लाइबिलिटीज़ के तो इसलिए भी हम सोच सकते हैं कि हमें प्रॉब्लम नहीं होगा बेटर देन वन इज़ वेरी गुड ऑप्शन लेस देन वन इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन इट्स बीन रेजिंग सम सीरियस क्वेश्चन ओवर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी तो ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमें बता दी यहाँ भी हम आगे थोड़ा सा चलते हैं तो यहाँ भी उसने हमें कंपेरिजन करके बताया है तो कंपैरिजन में आप यह देख रहे हैं कि जो बास्केट वंडर की एसेट टेस्ट रेशो या क्विक रेशो है वो मानना आ रही है जबकि इंडस्ट्री की वन पॉइंट टू फाइव है इट मींस कि हमारी क्विक रेशो या एसेट टेस्ट रेशो जो है इंडस्ट्री से बेहतर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ करंट रेशो uh, हमारी बहुत ज्यादा बेहतर थी लेकिन क्विक रेशो हमारी इंडस्ट्री से बेहतर नहीं है इसका मतलब है कि वी आर पाइलिंग अप एक्स्ट्रा स्टॉक्स हमने इन्वेंट्री माइनस की ना जब इन्वेंट्री को माइनस कर दिया यानी स्टॉक्स को माइनस कर दिया तो ये रेशो काफी कम हो गई और क्यों कम हुई क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री से ज्यादा स्टॉक थे अगर इंडस्ट्री के पास जैसे हमने ये पिछली स्लाइड में अगर हम दोबारा देखें यहां 2.39 की रेशो थी हम इंडस्ट्री से बेटर जा रहे थे करंट रेशो की बात करें तो यहाँ जो हम सिक्स डॉलर माइनस कर रहे हैं क्विक ऐसे टेस्ट रेशो या क्विक रेशो में जिसमें टेस्ट एंड माइनस इन्वेंटरीज है तो हमने माइनस में किया 969 तो उससे क्या हुआ हमारा जो न्यूमिनेटर था वो बहुत छोटा बचा वो बचा फाइव हंड्रेड अप्रॉक्सीमेटली और जब नीचे भी फाइव से डिवाइड किया तो रेशो वन हो गई अब अगली स्लाइड में जब हम देखते हैं तो अब हमारी रेशो जो है बास्केट वंडर की ये क्विक रेशो ये इंडस्ट्री से कम हो गई इसका मतलब है कि इंडस्ट्री के पास जो स्टॉक्स हैं वो कम हैं ऑन एवरेज और हमने ज़्यादा स्टॉक्स रखे हुए हैं ये भी यहाँ से इंडिकेशन मिल रही है कि हमारा जो स्टॉक है हमारे पास जो जो हमारे पास गुड्स पड़ी हुई हैं वो इंडस्ट्री से ज़्यादा हैं हम इससे इससे हमें फोकस करना चाहिए हमें दोबारा अपना जो है अपना जो बिजनेस सेटअप है उसमें ये थिंक करना चाहिए कि हम एक्स्ट्रा स्टॉक तो नहीं रखते जिसकी वजह से हमारी रेशो करंट रेशो जब थी वो बेहतर थी इंडस्ट्री से लेकिन क्विक रेशो इंडस्ट्री के बेहतर नहीं है इंडस्ट्री से वर्स है तो इट मीन्स कि हमारे ज़्यादा स्टॉक अपने पास रख ली हुई या तो चीज़ें सेल नहीं हुई या हमने रॉ मटेरियल की शेप में ज़्यादा चीज़ें परचेज कर ली हैं तो ये भी फोकस करने की चीज़ है नो no डाउट के वन इज़ स्टिल सफिशेंट रेशो बट हम इस वक्त इंडस्ट्री की जो एवरेज चल रही है उससे कम है ठीक है तो ये सारी चीज़ें नीचे आप कंपेरिजन में देख सकते हैं रेशो इज़ वीकर देन द इंडस्ट्री एवरेज तो ये भी हमें चीज़ें फोकस करनी पड़ती हैं हर चीज़ तो स्टॉक होना अच्छी बात है हाँ लेकिन एक्स्ट्रा स्टॉक होना का मतलब यह है कि वो आपका कैश स्टक कर रहा है आपकी एबिलिटी टू पे कैश को स्टक कर रहा है तो ये चीजें फोकस करने वाली हैं ठीक है तो ये उसने फिर से रेशो बताई ये बेसिकली इस टेक्स्ट बुक में दो ही रेशो बताई गई हैं करंट रेशो और एसेट टेस्ट रेशो वैसे हम डायरेक्टली कैश एंड कैश कैश एंड कैश, कैश इक्वलेंट रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं उसमें हम सिर्फ क्या करेंगे जो ऊपर हमारे करंट एसेट्स हैं हम वहाँ टोटल करंट एसेट नहीं लेंगे बल्कि कैश बैंक बैलेंस और कैश इक्वलेंट्स लेंगे और उसको करंट लेबिलिटी से डिवाइड कर देंगे तो वो जो रेशो आएगी उसको कैश रेशो कहते हैं अगर वो कैश रेशो 0.75 से 1 के दरमियान आती है तो इट मींस कि आपके पास इतना कैश है कि अगर आप उनमें से आपको 70 80 परसेंट या इवन कंप्लीट लेबिलिटीज़ भी पे करनी पड़ती हैं तो आपके पास उतना कैश अवेलेबल हो तो कैश रेशो भी कैलकुलेट की जा सकती है इस करंट पोर्शन में इस टैक्स बुक्स में नहीं है लेकिन आप बहुत सारी टैक्स बुक आगे ऐसी भी आएंगी जहाँ आप इस कैश रेशो को भी देखेंगे ये दोबारा उसने हमें कंपेरिजन करके बताया कि करंट रेशो बास्केट वंडर की टू डॉलर थी और इंडस्ट्री की एवरेज टू पॉइंट वन फाइव डॉलर थी जो लोअर थी जब ऐसा टेस्ट पे हम आए बास्किट वंडर की तो यहाँ से हमारी रेशियो ये तो वन आ गई और ये इसकी भी थोड़ी सी डिक्लाइन हुई क्यों दोनों में इन्वेंट्रीज माइनस हो जाती हैं ऐसा टेस्ट रेशियो ऑलवेज लोअर देन कंट्रेच होगी ठीक है लेकिन यहाँ हम इंडस्ट्री से बेहतर थे यहाँ इंडस्ट्री हमसे बेहतर है तो नीचे उसने बताया स्ट्रॉन्ग करंट रेशो एंड वीक एसेट टेस्ट रेशो इंडिकेट्स पोटेंशियल प्रॉब्लम इन द इन्वेंट्रीज अकाउंट यानी कि हमारे पास जो स्टॉक्स थी इन्वेंट्रीज थी वहाँ प्रॉब्लम है हमारी कंपनी ने ज़्यादा स्टॉक्स रखे हुए हैं जबकि इंडस्ट्री में वो एवरेज बेस पर कम है तभी ये रेशो जब एसेट टेस्ट पर हम आ रहे हैं तो ऐसे टेस्ट में हम ज़्यादा डिक्लाइन हुए हैं इंडस्ट्री कम डिक्लाइन हुई है इसका मतलब है जो चीज़ माइनस हो रही थी ऊपर वो थी इन्वेंट्रीज तो इसका मतलब हमारे पास ज़्यादा इन्वेंट्रीज हैं और इंडस्ट्री में ऑन एवरेज कम इन्वेंट्रीज हैं तो ये चीज़ भी देखने वाली है सेकंड पॉइंट में नोट दैट दिस इंडस्ट्री हैज़ अ रेलेटिवली हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज और ए, एक देख लें कि पहले टू पॉइंट थ्री नाइन थी एकदम वन पे आ गई ऊपर टू पॉइंट वन फाइव थी फोरन वन पॉइंट टू फाइव दोनों रेशो इंडस्ट्री की भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई है और हमारी भी बहुत ज़्यादा करंट रेशो से एसर टेस्ट रेशो डिक्लाइन हुई है ये मतलब कि ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें वैसे ओन दी एवरेज इन्वेंट्रीज हायर लेवल पर हैं तो ये भी एक हमें इंडिकेशन मिलती है ये सारी हमें एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होंगी अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हैं और आप ये देख रहे हैं कि आपकी ये रेशो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एज़ अ फाइनेंस मैनेजर आपको फिर अदर अल्टरनेटिव ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेंज करने

ये इसी तरह ऐसे टेस्ट रेशो की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये सिर्फ़ एक्सप्लेनेशन के पॉइंट व्यू से है कैसे दोनों का बिहेवियर चेंज हो रहा है आप देखें 1.3 के राउंड अबाउट उसकी इंडस्ट्री एवरेज चल रही है जबकि 1.3 से लोअर साइड पे जो है बास्केट वंडर चल रही है ये ग्राफ भी हमें क्लियर कट एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारी ऐसे टेस्ट रेशो जो है वो जो इंडस्ट्री एवरेज से काफ़ी कम है ठीक है तो ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी अब इस पूरे हम लिक्विडिटी रेशो को अगर सामअप करने की कोशिश करें तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है द करंट रेशो ऑफ बी डब्ल्यू हैज़ बीन राइजिंग एट द सेम टाइम द एसेट टेस्ट रेशो हैज़ बीन डिक्लाइनिंग ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा कि ओवर द ईयर हमारी करंट रेशो तो बढ़ी है लेकिन ऐसेड टेस्ट रेशो डिक्लाइनिंग की तरफ है द करंट रेशो फॉर द इंडस्ट्री हैज़ बीन राइजिंग स्लोली एट द सेम टाइम द एसे टेस्ट रेशो हैज बिन रेलिटिवली स्टेबल इंडस्ट्री की दोनों चीज़ें करंट एशो थोड़ी सी आहिस्त स्लाइडली बढ़ रही थी और uh, जो एसेड टेस्ट रेशो है ग्राफ से भी अब ये दोनों शो हो सकते हैं दिस इंडिकेट्स दैट इन्वेंट्रीज आर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम फॉर बी डब्ल्यू यहाँ मैंने पहले भी आपको बताया तो उसने भी लेबन में दोबारा इसकी रिलेशन में ये बताया कि जो बास्केट वन की इन्वेंट्रीज हैं वो उसके लिए प्रॉब्लम है वो इंडस्ट्री से ज़्यादा इस वक्त जो है आ, अपनी इन्वेंट्रीज अप कर चुका है उसे दोबारा अपनी जो है इन्वेंट्रीज उनको देखना पड़ेगा क्या ये एक्सेस इन्वेंटरीज तो नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ें जो उनकी यूज़ नहीं हो रही और स्टिल उनके पास इन्वेंटरीज में है तो उन चीज़ों को उसे कंसिडर करना पड़ेगा ठीक है आ, इसके बाद अगली रेशोज को हम देखते हैं